हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले मैदा से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और खास्तेदार शक्करपारा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरीके से आप शक्करपारा बनाएंगे तो आपका जो शक्करपारा है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, जिसे आप आराम से स्टोर करके महीना दिन तक भी रख सकते हैं। आप भी इस तरीके से एक बार शक्करपारा जरूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शक्करपारा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस बाउल से 2 बाउल मैदा लिया है, और उसी बाउल से मैंने आधा बाउल घी भी लिया है, जिसकी जगह पे आप रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं। और उसी बाउल से आधा बाउल चीनी भी लिया है, जिसे हम पीस लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चीनी को पीस के इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। आप इसी मेजरमेंट से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब हम एक बड़े बाउल में इन सभी चीजों को ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। मैंने 3 इलायची के बीज को इस तरह से कूट के इसका पाउडर बना लिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे खास्ता करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जो शक्करपारा है वो एकदम खास्तेदार बनेगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा जो मैदा है वो अच्छे से खास्ता हो चुका है। इसे बाइंड करके देखिए, अगर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है यानी कि अच्छे से खास्ता हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा बाउल नॉर्मल दूध लिया है, आप इसकी जगह पे पानी का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका हम कड़ा सा डो रेडी करेंगे। देखिए हमारा कड़ा सा डो बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल हमें इस तरह से इसका डो बनाना है। अब हम डो को 2 पार्टीशन में डिवाइड करके इस तरह से रोल कर लेंगे और इसे हम बेलेंगे। इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। अब हम इस तरह के कैप की मदद से इसमें राउंड शेप का कट लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे राउंड शेप में कट कर रही हूँ। और इस तरह से हम पूरे रोटी में राउंड शेप का कट लगा लेंगे। देखिए मैंने पूरे रोटी में इस तरह से राउंड शेप में कट लगा लिया है। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और उसे हम फिर से रोल करेंगे और बेलते जाएंगे और इसी तरह से कट करते जाएंगे। अब हम शक्करपारा को फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम शक्करपारा को डाल देंगे और हम शक्करपारा को लो फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक कि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें शक्करपारा को इस तरह से बीच बीच में उलट पलट करते रहना है, जिससे कि हमारा जो शक्करपारा है वो चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए हमारा जो शक्करपारा है वो चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम दूसरे बैच के भी शक्करपारा को ऑयल में डाल देंगे और इसे भी हम लो फ्लेम में चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये बैच का भी शक्करपारा चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और हम इसी तरह से सारे शक्करपारा को फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉल में शक्करपारा को निकाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। अब मैं आपको एक शक्करपारा को तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसा बना है। देखिए हमारा जो शक्करपारा है एकदम चूरचूर हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल खास्तेदार बना है। और आपने देखा कि इसे बनाना भी कितना आसान है, और लेकिन मानिए खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप भी इस तरीके से एक बार शक्करपारा जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।